स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल स्वागत है क्रिकेटर। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। टॉपिक का नाम है एरिया एरिया ऑफ बाउंडेड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो बच्चे, अब टू कर्व्स क्यों दिया वो समझिए। जहाँ पे एरिया बाउंडेड बिटवीन होता है तो वहाँ पे हम लगाते हैं माइनस करते हैं। माइनस करते हुए दो भागों बेटा माइनस करते हैं। पहले पॉइंट में हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा कि जब कोई एरिया बाउंडेड कर रहा है, जैसे मानिए कि माने कर्व है। अब कर्व होता क्या है, जैसे कि अगर बाउंडेड किया आपने यहाँ किया एक्स के ऊपर, यहाँ किया एक्स के ऊपर, वाई के डैश के ऊपर, वाई डैश के ऊपर, जीरो में। अब देखो बच्चो, जब आप अगर कोई बाउंडेड करते हो, जैसे मानो कि अगर बोले एक्स एक्सिस, समझो एक्स एक्सिस राइट, तो कहाँ से करेंगे, हाँ यहाँ से। अगर यही बोला होता बाय एक्सिस तो ऊपर से करते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम यहाँ से करते। यही आपको फर्क समझना है और ये फर्क जाएगा आगे तक, कोई फर्क नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को एफएक्स और जीएक्स बोलते हैं, हाँ इसी को, इसको एफएक्स और जीएक्स पर दो भागों में बढ़ते हैं, एफएक्स और जीएक्स। इसमें यही है और उसके बाद जो काम करते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हो, इसी का इस्तेमाल इसके अंदर है बेटा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी बेटा हम लोग आगे हो। देखिए तो फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला। पैराबोला बाय स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर और बाय स्क्वायर स्क्वायर टू एक्स राइट। अब देखो यहाँ दो चीज आया ना, बाई साल का बाई का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ना, एक्स के रूप में और ये बाई के रूप में बाई डैश राइट। क्या करेंगे, वही वही जो पहले बताया था, कर्व बोल रहा है, कर्व का मतलब होता है फिगर, इसका कोई टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, फिगर इसका टेढ़ा होना चाहिए, और वो भी पैराबोला बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पैराबोला। तो पैराबोला में हमारे दो चीज़ आ गए। अब इसमें हमें दो चीज़ें, जब भी कोई एरिया बाउंडेड मिल जाए बिटवीन, जैसे कोई भी एरिया बाउंडेड मिल जाए वहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है आपको यही याद करना पड़ेगा राइट, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये रट्टा मान लीजिए, रट्टा आपको यहीं पर मानना है और आपको इसी के आधार पे आपको सारा काम करना है ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो बच्चे, तो पहली बात क्या, इसको हम ऐसे करेंगे राइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ ऐसे की तरफ से ई पूरा काम राइट, ई हो गया एफ एक्स डी एक्स, हो गया दो चीज़ें में, तो बस यहाँ कर दीजिए। इसको मान लीजिए एफ एक्स, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए ना, कुछ भी क्या फर्क जाता है डी एक्स, तो फिर नहीं पड़ता, बस एरिया बाउंडेड है इसमें, यानी कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड राइट। लिख दीजिए इंटीग्रेशन। आप देखिए यहाँ पे ऐसे डिजिट लीजिए जो बराबर में आ गए, अगर आप जीरो लेंगे जीरो के बराबर हो गए, पर आपका जीरो हो गया, यानी एक को हमने जीरो मान लिया राइट। ई को लेंगे तो एक भी बराबर हो रहा है, यानी कि बी को भी हमने मैंने मैंने एक मान लिया, फॉर्मूला होता है बी और बी कितना दीजिए बी या ए, फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स ठीक है बच्चों। अब क्या करें, बी को हमने एक माना, क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हो रहा है, अगर कोई और नहीं बराबर नहीं होगा। तो जब भी कोई अगर ऐसा समीकरण आता है, अब देखिए यहाँ पे तो मैंने मान लिया, कभी कभी क्या होगा कि पेपर में आपका लिखा रहेगा बेटा बाई स्क्वायर बराबर चार एक्स प्लस आठ, तो डोंट वरी ये तो निकल जाएगा, हाँ अच्छा साथ में मान लिया रहेगा,
कि पाई के मान के ऐसा दिया जाएगा, इक्वल रहेगा तो वहां पे नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे अकेला एक्स है, अकेला पाई है, अकेला पाई है, अकेला, तो वहां पे नहीं रहता, वहां पे चेक करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जी को हमने एक मान लिया, इंटीग्रेशन यहाँ एक किया, एक जो क्या माना एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ लिख दीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स नहीं, एक्स नहीं होगा, रूट एक्स होगा, रूट एक्स सॉरी। अब हम क्या करें, ये सब अलग अलग देखिए, इंटीग्रेशन ए जीरो एक्स का स्क्वायर जी डी एक्स माइनस ए जीरो रूट अंडर एक्स डी एक्स, क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर ए और जीरो, क्या आएगा रूट एक्स ए और जीरो, डन है, इंटीग्रेशन है ना, कर रहे कर रहे कर रहे प्लस हो जाएगा ना। हाँ ऐसे करते हैं, इसको मैं यहीं पर कर दिया, हाँ देखो गाइड दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ छाया है इसके ऊपर, दिख रहा है छाया है, हाँ तो छाया, ठीक है, तो मैं इसको ना यहाँ कर देता हूँ, देखो जी तो इंटीग्रेशन बेटा हम पहले इसको कर देता है, देखो वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन राइट, तो एक्स बाई थ्री एक्स और वन बाई थ्री नहीं वन बाई थ्री थ्री बाई टू इसका यहाँ करोगे तो वन आ जाए बचेगा, इंटीग्रेशन करोगे तो हाँ 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 ठीक है इसको करेंगे वन ही ना बचेगा माइनस इसका हो जाएगा टू बाई थ्री वन, तो एक सारे कट जाएगा, तीन बचेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है बचेगा, अगर आप यहाँ वन से रखते हो तीन बचे, तो थोड़े बचेगा कुछ बचेगा जितनी पावर वन ये हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा थ्री फॉर्म ले लेंगे, ये बचो अभी चले चलो देखो बच्चे जितने क्वेश्चन है ना उसमें आप बस देखिए क्वेश्चन टॉपिक समझिए, क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ कुछ भी हार्ड नहीं होता पढ़ाई का, अगर तुम करते हो हार्ड तो वो आपकी मर्जी है, देखिए फाइंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x by such that 0 by x का स्क्वायर प्लस वन, दूसरा है कॉमा में 0 by x प्लस वन 0 एक्स टू, देखिए देखो बच्चे बेटा बच्चे पहली बार ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई चीज मिले अभी इसमें देखो कोई फर्ड कोई ज्यादा कोई टॉपिक हार्ड नहीं लिखा, अच्छा लिखा हुआ है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रीजन ऑफ सेट ऑफ दी, देखिए देखो बच्चे अब यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं दिया नहीं दिया, जब भी आप अगर कुछ करते हैं अभी देखिए सिंपल में लिखा हुआ आराम से लाइन बनेगी, ठीक क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए सारे साइड हो गए एक लाइन से हम सीखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चिट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दोनों मुड़ रहा है, एक्स से भी कटेगा और वाई से कटेगा और दोनों यहाँ देखिए दोनों निगेटिव है, देखिए सब छोटा में लाइन को हमें निगेटिव खींचना है बट हमें लाइन को निगेटिव नहीं खींचना है क्योंकि इसका देखो वैल्यू कितनी है एक बजे, यही ध्यान दीजिए पहली कैटेगरी में हमारे बता रहे हैं
इसमें ए और जीरो का भी बताया, क्योंकि यहाँ जीरो से शुरू होते हैं यानी ए के रूप में है, इसमें आपका दो और एक के रूप में होगा, है ना, दो रे के रूप में, यानी कि यहाँ पर जब भी कुछ और शुरू होगा, देखिए इंटीग्रेशन कर दिया, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए और जीरो और ए पे माइनस जी एक्स डी एक्स माइनस करते, पर यहाँ पर किसी टॉपिक का नाम ही है ना, ना एलिप्स है, ना कर्व है, ना पैराबोला, ना कुछ भी है, प्लस करोगे ना, समझ आया नहीं आ रहा? हाँ, इंटीग्रेशन दो और एक, राइट? अच्छा, यहाँ आएगा जी एक्स। देखो जब भी कोई टॉपिक का नाम रहेगा तभी काम करना है, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए तो यहाँ लिखा मैंने जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हमने मान लिया एपेक्स। अच्छा, और ये हमारा हो गया जी एक्स, दो कौन सा जरूर होगा, कहीं हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स दो और एक एक्स प्लस वन है, तो इसको एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का क्या होगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन टू डन है, उधर स्क्वायर होगा, हाँ राइट, यहाँ आ जाएगा टू और वन, राइट। आगे देखो बच्चे क्या करेंगे भाई, इसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, लगा दो वन बाई थ्री प्लस वन कितना हो गया इसका, तीन तीन एक राइट, दो का स्क्वायर करो कितना है, दो चार होगा राइट, अरे हो जाएगा दो दो हो जाएगा, मतलब चार ही होगा माइनस एक तो जाएगा वन बाई फोर वन बाई टू सॉरी 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 डन है, डन है ना, तो गया अच्छा, इसको आ जाएगा प्लस, इसको फोर हो जाएगा बढ़ जाएगा ना, हाँ प्लस फोर हो जाएगा, प्लस फोर माइनस इसको यहाँ शुरू करो, तो वन प्लस टू जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू राइट, अच्छा यहीं पर लगा देते हैं आ गया तीन छः यानी आठ, डिवाइड करो छः चौबीस, डिवाइड करो तीन नौ राइट, कितना आ गया बत्तीस माइनस थ्री नाइन राइट, कितना आ गया ट्वेंटी थ्री, ठीक है बच्चों आराम से नोट करो, कोई अगर डाउट है कल बैठा मिलते हैं इसी टाइम पे, जब तक के लिए नमस्कार।